नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छी होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रंगमल टीजर्स 1, टीजर 2, टीजर 3, टीजर 4। सो विदाउट डिले टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एवरीबॉडी एवरी वन आई नो ये टीजर 1 है। किस्मत से इतना ऊंचा और अच्छा ससुराल मिला है तुम्हें। ससुराल वालों को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करो। मॉम के साथ साथ तुम मुझे भी दिल से अजीज हो। तुम पर तो मेरा खून भी माफ है। अगर मैंने आपके काले करतूत आपकी माँ और भाई को बता दिए तो जानते हैं क्या होगा? चोटी के भी पर निकला है। सुहेल अब मेरे हाथ। घमंड क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। वो कोई फजूल लड़की नहीं है, बहुत शातिर है वो। आप उससे दूर रहे। मैं कभी माँ पारा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा वरना हमारे रिश्ते के बीच दरार पड़ जाएगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। दुल्हन तो वही होती है ना। हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें एक मिनट में। जो पिया मैंने पर आपके शोहर को तो मैं भाग गई। देखिए नई ड्रामा सीरियल रंग। ड्रामा सीरियल जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये शादी शुदा रहता है। हाँ ये शादी शुदा रहता है बट वो जो मतलब लड़की है वो पूरे मतलब कब्जा में करना चाह रही है सबको, मतलब अपने अंदर रखना चाह रही है क्योंकि उसकी बीवी रखती है। हाँ उसकी बीवी रखती है बट कब्जा नहीं करना चाहती, उसको मतलब शांत रखना चाहती है, सब कमीना रखना चाहती है, मतलब अपने आप पर ही वो रखना चाहती है, इस पर कंट्रोल रखना चाहती है, इस पर कंट्रोल करना चाहती है क्योंकि इस पर कंट्रोल रखना ये चाहती है क्योंकि ये जो है शादी होने के बाद इस लड़की पीछे पड़ा है, ये लड़की मेन है इसका कैरेक्टर या मेन यही है। बट ये मतलब यही इसको भी अपने ऊपर वो रहता है मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की, मतलब आपके शौहर मतलब हस्बैंड को मतलब मैं लाइक मुझे लाइक करते हैं। हाँ इसको भी रहता है। समटाइम्स हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी हम गलत होते हैं। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ माँ पारा। क्या तुम ये समझती हो कि तुम हमारी रिश्तेदार नहीं एक मुंशी की बेटी हो। वो दुनिया नहीं थी, वो जादूगर था जिसने अपने शहर में ले लिया था मुझे, लेकिन अब उस तिलिस्मी पिंजरे को तोड़ आई हूँ मैं। अब कोई मुझे अपने शहर में नहीं ले सकता दादी। आयन ने तुम्हारे वक्त की बहुत कम कीमत लगाई है। अगर मैं होता ना तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर तुम्हें हीरो में तोड़ देता। सुहेल भैया कुछ भी कहो अगर ये भैया मत कहो। एक लड़के से पेट नहीं भरा जो दूसरे पे घात लगाए बैठी हो। मुझे वो चाहिए जुलेखा भी, मुझे वो चाहिए। कुछ भी बोलो बट भैया मत बोलो। ये क्या है? बड़े देश यार तो समझ में नहीं आया। आई थिंक ये कजन्स रहते होंगे। कजन्स शायद रहते ही होंगे लेकिन ये नौकर रहती है। हाँ मतलब ये नौकर की बेटी रहती है। हाँ मतलब ये लोग थोड़ा वो मुंशी रहते हैं पूरे लाइफ। ठीक है तो उसमें जो बचपन से रहा है ना सिबलिंग्स टाइप का हो गया, मतलब भाई बहन टाइप। मतलब वो भाई बोलती है। हाँ इसीलिए नहीं अगल बगल पड़ोसी होते हैं क्या बोलते हैं। हाँ तो मतलब इसीलिए वो बोल रहा है कुछ भी बोलो बट भैया मत बोलो। मतलब काफी ज्यादा फनी था मतलब जो भी था। लेकिन ये क्या दिखा रहा है इसमें कि मतलब ये जो मतलब जो लड़का है नाम नहीं पता मुझे मेन एक्टर का बट जो खानी का भाई का रोल प्ले किया। हाँ, वो कहता है क्या बोलते मैं तुमसे मतलब क्या बोलते हैं प्यार वार नहीं करता और तुम जो हो मतलब मेरी मुंशी की बेटी हो। हाँ मतलब नौकर। हाँ नौकर मतलब इसका मतलब है कि इसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा, यानी लड़की उसके पीछे है। हाँ मेरे हिसाब से लड़की उसके पीछे है और ये जो है ये क्या बोलते हैं ये बॉडी बिल्डर टाइप का, ये इसकी शादी हो चुकी है तभी ये इसके पीछे है। ये उसके पीछे उसके पीछे इसके पीछे उसके पीछे बस भाई। तो मतलब ये वो जो शादीशुदा बंदा है वो इस लड़की के पीछे और ये लड़की आई थी इस लड़की को लाइक करती है। और वो जो लड़की है जो शादीशुदा है वो अपने पति के पीछे। तो वो तो रहेगी भाई। तो खैर काफी मतलब टीजर टू काफी बहुत ज्यादा ही बेस्ट था यार। मुझे ये जैसे मुझे सीरियल काफी अच्छा लगा। सीरियल तो काफी अच्छी लग रही है। साफिया खान ने से लिखा हुआ है। अच्छा हाँ बहुत अच्छा लिखा है साफिया खान ने। खैर काफी मतलब क्या बोलते हैं ये टीचर टू से हमें काफी कुछ पता चला। हाँ वो तो कंपेयर टू टीचर वन। या सो अब टीचर थ्री देखते हैं। चलो विदाउट टीचर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टीचर थ्री
क्या इस जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं? महापारा की सच्चाई तो यही है ना कि उस घर में काम करने वाले एक छोटे से मुंशी की बेटी है। दादी मैं आपको हजार बार बता चुकी कि वो भी मेरी फैमिली। तुम तो हमेशा मेरे दिल के आसपास रहो। बहुत मान है ना मामा को अपनी तरबियत पर। इस मान को नफरत में ना बदला तो मेरा नाम बदल देना। मैं कह रही हूँ निकलो मेरे घर से। उसे मेरे और उसके स्टेटस का फर्क समझाओ। जिस तरह की ये लड़की है ऐसे तो किसी शरीफ घर में भी घुसते ना दिया। तुम्हें समझने में हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की थी, उसकी इतनी बड़ी सजा। देखिए नई बहू रहती है लेकिन इसी घर में सिर्फ यही रहती है लड़की, ठीक है, मतलब इसके अनसिपल है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसकी मम्मी जो है उसे बेटी की तरह प्यार करती है, काफी मानती है। ये इसके आने के बाद इसे घर में आग लगती है और इसको लात मारकर भगा दिया। तो मतलब आई थिंक ये अपने आप को उस घर का फैमिली मेंबर समझ रही है, बिकॉज वो बार बार बोल रही है कि मतलब मैं, वो भी मेरा फैमिली है। आई थिंक बचपन से शायद रही होगी उस घर में। हाँ, इसीलिए फिर इसके आने के बाद मतलब ये इसको पसंद नहीं है कि मतलब इसकी जो मम्मी है मतलब इससे ज्यादा प्यार करें भाई। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो उसकी वाइफ है ना, तो जो उसकी मम्मी होगी ना आएगी तो। हाँ, तो जो उसकी वाइफ है वो मतलब उसको उसे अच्छा पसंद, उसे बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज उसका हस्बैंड, वो जानती है उसका हस्बैंड उसको लाइक करता है ना, वो इतना हद तक लाइक करता है। टीजर वन में दिखाया गया हमें कि उतना हद तक लाइक करता है, बोलता है कि उसके बारे में मैं एक खिलाफ वर्ड मतलब नहीं सुन सकता, नहीं तो हमारे बीच में दरार पैदा हो सकता है। दैट मीन्स बहुत लाइक करता है, इसीलिए उसे निकालना चाहती है। मोहब्बत जिंदगी होती है, मोहब्बत तो सांस लेने की वजह होती है। बदनामी से डर नहीं लगता? मैं तो मोहब्बत में बर्बाद होने से भी नहीं डरती। जब दो खिलाड़ी आमने सामने खड़े हो जाए ना, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अपना है और कौन पराया। महापारा के हाथ में उसके दोनों बेटे थे। तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी ना, कोई भी महापारा से ऊंची आवाज में वहां बात नहीं कर सकता। मैंने भी सोच लिया ना, अब मैं किसी का लिहाज करूंगी और ना अदब। मैं तुम्हें बहन की तरह समझता हूं और तुम कुछ तो रिश्तों का लिहाज करो। मासूम सिर्फ गरीब है और यही उसका गुनाह। ले जाए इस गंदगी की पोटली को यहाँ से। मेरा तो सिर्फ घर बर्बाद होगा, तुम एक बार फिर से उजड़ जाओ। देखिए नई ड्रामा सीरियल मेगा एपिसोड के साथ। जो भी यहाँ खोए हुए हो, मुझे सॉफ्ट लगा हुआ है यार। मुझे भी थोड़ा सॉफ्ट लगा क्या है, क्या ये करना चाहता है? अच्छा, मेरे हिसाब से ये बाहर अच्छा बनना चाहता है। तो बाहर ऐसा अच्छा बने कि बाहर सबके सामने भाई बनेगा? हाँ, पता नहीं क्या कर रही है। बड़े देश यार, मतलब ये चीज मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सीरियसली, मतलब हमें बिल्कुल सॉफ्ट लग रही है। मतलब ये क्या है, मतलब अगर पसंद करते हैं तो खुल कर बोले, खुल कर बोलो। अगर इतना बाहर भाई बन रहे और अंदर कुछ और ही लुक है, ये तो बाबा राम रहीम वाला। सीरियसली, मतलब कुछ ज्यादा ही अजीब टाइप मेरे को लग रहा है ये चीज। मुझे ये बिल्कुल बाबा राम रहीम का है पाकिस्तान का। हाँ, सीरियसली मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि सबके सामने बोल रहा है कि खैर मैंने तुम्हें बहन माना, उसका तो लिहाज कर लेती। क्या क्या क्या, ये भी एक रियल स्टोरी है? तो पाकिस्तान की ज्यादातर सीरीज जो है वो रियल स्टोरी बेस्ड होती है। गाइस, हमें प्लीज हमें कमेंट करें कि क्या ये रियल स्टोरी है। क्योंकि मतलब साफ, मतलब ऐसा ये स्टोरी तो कोई लिख नहीं सकता यार। बहुत सारे ऐसे करेक्टर होते हैं पूरी दुनिया में, काफी पूरी दुनिया में होते हैं ये सब फेक पर्सनालिटी के अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। दैट्स नॉट गुड। खैर, ये सीरियल में मतलब ऐसे दिखा रहा है, बहुत मतलब शॉकिंग, पूरा शॉकिंग है, बहुत ज्यादा। मेरे भाई को तो काफी शॉक लगा, मुझे भी बहुत शॉक लगा। मतलब मैं तो शॉकी हो गया था। मतलब क्या कर रहा है कि शर्म करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और ये कहती है कि आप मुझे बाहर भाई कहते हैं, बहन कहते हैं, और अंदर
जैसा अक्सर मियां जी किया, मतलब लाइक भी करता है बहन भी बोलता है, तो लाइक करने का एक अलग ही नजरिया होता है, बट वो बहन वाला नजरिया नहीं है, वो अलग ही नजरिया है कि ये बाबा राम रहीम वाला नजरिया है या ये बाबा राम रहीम वाला नजरिया है। खैर जो भी हो, ये सीरियल काफी अमेजिंग है, बट सीरियल सीरियल काफी अमेजिंग है। भैया वाला जो चीज, और अगर मेरे हिसाब से ये रियल स्टोरी है, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान के 90% 80% सीरियल जो है ये खासियत है, रियलिटी बेस्ड होती है। ये मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि रियल स्टोरी पे बेस्ड स्टोरीज रहती है, इसको रियल स्टोरी को देखने में बहुत ही मजा आता है। जैसे खानी, या खानी खानी बहुत ही अमेजिंग है, मतलब बहुत ही इमोशनल, मुझे कोई भी देखेगा तो रोना स्टार्ट कर देगा, रियल स्टोरी है। हाँ, मैं तो मतलब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अब रोना बस आंसू ना निकले, बिकॉज बहुत ही हार्ट टचिंग सीन्स आते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, मतलब इमोशन। लेकिन अगर लेकिन बात की इस सीरियल की, तो ये पूरी मतलब स्टार्टिंग से हमें पता चल रही है, लास्ट में 20 में भी सारी कंफ्यूजन हो गई है, हमें कंफ्यूजन है, बट सीरियसली मतलब ऑनेस्टी से मैं बोलना चाहूंगी, सीरियल काफी अमेजिंग है, तभी शायद अभी ट्रेंडिंग कुछ चल रही है, तो हम मतलब मैं इसको पर्सनली कभी देखूंगी जरूर, बिकॉज सीरियल मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। खैर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हमारा भी लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, काफी अमेजिंग सीरियल है, काफी अमेजिंग सीरियल है। तब तक के लिए नमस्ते।